अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दो तरह से मखानों को बनाने का तरीका। तो चलिए देखते हैं इस हेल्दी मंचिंग को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मखानों को भुनने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड किया है। आप चाहें तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट यानी कि बिना तेल और घी के भी इसे भुन सकते हैं। यहाँ पे मैंने 150 से 200 के करीबन मखाना लिया है। हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनटों के लिए अच्छी तरह से भून लेना है, या फिर आप उस तब तक भून सकते हैं इसे जब तक ये अंदर और बाहर से अच्छी तरह से क्रंची ना हो जाए। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद आप मखाने को इस तरह अपनी उंगलियों से चेक करके देख सकते हैं, प्रेस कीजिएगा। अगर ये टूट जाती है, क्रंची हो जाती है, तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ गुड़ के कैरेमलाइज्ड मखाने। जिस कढ़ाई में मैंने मखानों को भुना था, अब मैं उसी में 1.5 चम्मच के करीबन घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे साबुत गुड़, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। आजकल मार्केट में गुड़ के पाउडर भी अवेलेबल हैं, बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे गुड़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये एक हेल्दी ऑप्शन है किसी भी रिफाइंड व्हाइट शुगर से। इसे अच्छी तरह से मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड किया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी ऐड किया है। सौंठ का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं हो तब भी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोस्ता दाना और थोड़ी सी काली वाली तिल ली है। आपके पास सफ़ेद तिल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इन्हें डालने के बाद गुड़ के साथ इन्हें अच्छी तरह से एक बार मिला लीजिएगा। तो उसके बाद हमने जो मखानों को भुना था, तो आधे मखाने हम अपने गुड़ के अंदर डाल देंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिलाइएगा ताकि गुड़ सारे मखानों में इवनली कोटेड हो जाए। हमारा कैरेमलाइज्ड मखाना रेडी हो चुका है। अब आप इसे बाउल में सर्व कर सकते हैं। अब हम बनाना देखेंगे टैंगी स्पाइसी मसाला मखाना। इसके लिए मैंने सेम कढ़ाई में 1 चम्मच घी ऐड किया है। यहाँ पे हम अपने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पे रखेंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 चम्मच के तकरीबन जीरा पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और आधी छोटी चम्मच मैंने नमक ऐड की है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड की है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर क्रश्ड की हुई आधी छोटी चम्मच काली मिर्च भी ऐड की है। इन मसालों को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लीजिएगा, और आधे मखाने जो हमने रोस्ट करके रखे हैं वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मखाने को और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए आप इसके अंदर पेरी पेरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या आप इसके अंदर पिज़्ज़ा सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं, या फिर मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारा टैंगी मसाला मखाना रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे भी एक सर्विंग बाउल में अच्छी तरह से सर्व कर लेंगे। आपको जिस भी फ्लेवर का मखाना खाना हो, बस आप उसके मसालों को घी में हल्का सा रोस्ट करके और मखाने उसमें डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से कोटेड हो जाएंगे तो वो खाने के लिए रेडी भी हो जाएंगे। Thank you for watching my videos. Allah Hafiz.